गाइज अपना एग्जाम्पल नंबर 3 तक के हो गया था कल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 करने के पहले बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। पॉइजन में अपन लोग क्या देख रहे थे, ई की पावर माइनस लामडा, लामडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल था, करेक्ट। ये कब अपन लगा पा रहे थे, जब बेटा हमारा एन बहुत हाई हो और पी बहुत कम हो, पर एन इंटू पी आप लोगों का ठीक ठाक हो, या उसने क्लियरली बोला है पॉइजन यूज़ करो और बताओ, ठीक है। इसके अंदर लामडा क्या था बेटा, लामडा की वैल्यू एन इंटू पी थी, इसका मीन भी लामडा था, स्टैंडर्ड नहीं वेरियंस भी लामडा था, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट लामडा था, ठीक है। तो देखो उसने यहाँ पे क्या किया है, द नंबर ऑफ डिमांड्स ऑन अ कार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया विथ मीन 1.5। मीन का मतलब काई की वैल्यू दे दिया आप लोगों को, लामडा की वैल्यू दे दिया आप लोगों को। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेज इन विच नीदर कार इज यूज्ड एंड प्रोबेबिलिटी इन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। अच्छा ओके, अ कार हायर फॉर्म हैज टू कार्स, ठीक है। ये रेंटल वाले जो होते हैं ना, एक बंदे का ना दो कार्स है, ठीक है। अब आपको पहला पार्ट तो ये है कि आपको पता करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में एक भी कार रेंट पे ना जाए। तो आप लोगों के आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ पे जीरो हो जा रही है। तो आपने फॉर्मूला लगाया ई की पावर माइनस लामडा, लामडा की पावर आर, लामडा ने 1.5 है सॉरी, ई की पावर माइनस लामडा, लामडा की पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल। अब इसने दिया ई की पावर माइनस 1.5 जो कि 0.2231 है, तो हम इजीली कर सकते हैं उससे वैल्यू। मुझे ये बताओ इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज इन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड, डिमांड रिफ्यूज सब होगी वो जो तुम लोग बोल रहे हो, जब दो से ज्यादा का डिमांड अगर आ गया। अब बंदे का दो ही तो कार है यार, उसने दो कार दे दी, उससे ज्यादा का डिमांड आ चुका है तो उसको मना करना पड़ेगा लोगों को। मतलब क्या है, जब आप लोगों के पास में तीन लोग आ जाए या फिर चार लोग आ जाए, ऐसे लेके इन्फिनिटी तक आप बढ़ सकते हो, तो ये करना तो मतलब इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा क्या है, वन माइनस पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। समझ में आ रही चीज़ें क्या हो रही है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। फटाक से आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 खुद से करोगे अभी के लिए। हाँ अच्छा सॉरी, मुझे वैसे पर कोई समझ में नहीं आ रहा है कल ठंडा क्यों नहीं कर रहा था ये कल भी। हाँ बेटा हाँ चलो फटाफट करो बेटा। हाँ थोड़ी देर के तो लगा हुआ है, बंद कर दूंगा बेटा मैं, थोड़ा बंद कर दूंगा वाला। चलो फटाफट करो बेटा बेटा, फिफ्थ करना है फिर सिक्स्थ वाले में आप लोगों को एक दिन। हाँ सॉरी फोर्थ करना है, फिफ्थ वाले का प्रॉपर्टी जो है वो अपन नेक्स्ट इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें आई मीन पहले खत्म कर लेते हैं डिफिकल्ट वाले, फिर प्रॉपर्टी देख के करेंगे अपन लोग। फिर सिक्स्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ले वही खुला है कर दे जल्दी। अच्छा छापने के लिए सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट होता ना। हाँ बेटा गर्दन में बहुत दर्द आ जाएगा ना तेरा, ऊपर देख के फिर नीचे देखने में। करना भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को पता है 10 बार तेरे तरफ देखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए इधर उधर देखने जाते कोई देख रहा हूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो जिससे। ले जानी बोलना प्रायोरिटीज। हाँ बेटा बेटा एन की वैल्यू है ही नहीं ना इसमें, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एन अपॉन आर फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, एन है ही नहीं बेटा इसके अंदर। क्या 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 बच्चा, इसके अंदर देखो एन इंडिविजुअल का काम ही नहीं होता, पी इंडिविजुअल का काम ही नहीं होता। देखो एन इंटू पी का ही काम आता है, जिसको अपन लामडा बोलना शुरू कर देते हैं।
इसका देखिए कैलकुलेशन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एटलीस्ट, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है अजीब सा, वो 0.2231 इनटू चलते 3.625, बट वो इतना कोई क्रेजी नहीं है। हो गया गाइस, थोड़ा क्विकली करो बच्चे लोग। चलिए बढ़ सकते हैं आगे, कोई कर रहा है तो बोलो, मैं रुक रहा हूँ। यस रुक जा, वो वन माइनस वाला ना, चलो वन माइनस पी ऑफ ज़ीरो माइनस पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ टू, करेक्ट। वन माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, ई की पावर माइनस लामडा, लामडा कितना था अपना, इंटू लामडा की पावर कहते आर, तो वो तो ज़ीरो वन हो जाएगा। तो जब मैं लिख लेता हूँ पूरा का, 1.5 की पावर r अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस लामडा, लामडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल यहाँ तक, ठीक है टक्रेश। 1 माइनस मैंने e की पावर माइनस 1.5 कॉमन निकाल रहा हूँ, उसी वैल्यू जैसे दी हुई अपन देख लेते हैं, ये तो 1 बन गया प्लस 1.5 अपॉन 1 बन गया प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 2 का फैक्टर होता है 2 ई, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1.5 के लिए क्या दी गई है आप लोगों को, 0.2231, 1 प्लस 1.5 प्लस 1.125, ठीक है देख तो ये जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2.25 अपॉन 2 बेटा, फाइव 7.25 अपॉन 2। तू पहले मल्टीप्लाई करना चाहता है डिवाइड करना चाहता है आगे, या वापस एलसीएम लेना चाहता है पूरे का, तो 2 माइनस 0.2231 7.25 द होल अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग पहले, अब मल्टीप्लिकेशन है तो है भाई, वो करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना, नहीं वो मैं कर लेता एक बार का देखते ना, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं चला इस पर भी का, 2231 725 करेक्ट, हाँ 5 15 11 11 2 6 4 4
सात 21, 14, 16, 15, 5, 7, 14 प्लस 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 प्लस 1, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 माइनस 1.617475 द होल अपॉन 2 यानी आ जाएगा 0.382525 द होल अपॉन 2। हाँ यार वो एक्चुअल में ना मैं वेरी फ्रैंक कहता हूँ, मैंने वैदिक मैथ्स एक वीडियो देखा था तो उस कारण से मेरे को समझता है ये वाला। मेरे को वैदिक मैथ्स आता नहीं है, एक अकेली चीज़ मेरे को आती है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और बहुत काम में आ गई मेरे, पर मेरे को सिखाना नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ बताने का। देख जब ये ऐसा होता है ना, टू पॉइंट खूब सारे जीरोस माइनस ये मान ले ये जो भी हो वन पॉइंट कुछ भी नंबर बोल तू 3, 4, 2 4, 8, 9 ठीक है, तो ये तो वन ही हो रहा है। अच्छा ये तो अब ये तो जीरो पॉइंट समथिंग चलने वाला है। अब देख सबको ये सबको नाइन सॉरी ये सबको नाइन मानना, इसको टेन मानना बोलते वो लोग। जब मैंने पहली बार सुना था वो तो बहुत ऑब्वियस है, मैंने ऐसे ही बिहेव किया था, बट एक्चुअल में बहुत काम में आ गए मेरे वो। देख ओरली मेरे को 9-6 6, 9-5 9-4 5, 9-2 होता है 7, 9-4 होता है 5, 9-8 होता है 1, और ये बस 10 मानना पड़ता है ये, इसलिए मैं ओरली कर पाता हूँ अब। तो मैंने जो जितना खुद्दू समझता था मैं ट्रिक को बहुत मेरे काम में आई, बट कभी हिम्मत नहीं हुई किसी को करके समझाने की। समझा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सब वो करना। अब डिवाइड तो ठीक है 0.191625 अप्रोक्सीमेटली 0.19 आ रहा है मेरा आंसर। क्या आंसर है? हाँ नहीं वही, हाँ उसने 3 लिया है, मैंने 2 लिया है, रादर मेरा तो परफेक्ट आया है। ठीक है ये चीज़। चलो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर जो भी फिफ्थ, रुक जाओ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ वो, अपन लोग एक सिंपल सा देखने के उसका। सिक्स वाला इज अ नाइस क्वेश्चन अगेन। 10% ऑफ टूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 10 टूल्स चूजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। पहले वो क्लियरली बोल रहा है यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों का बाइनोमियल भूलने के बहुत हाई चांसेस है, याद है बाइनोमियल में क्या करते थे अपने को, क्या कहता था एन पी एंड क्यू लगता था अपने को। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हम लोगों को दी हुई 10 टूल्स है, प्रोबेबिलिटी कितनी है अब देखो, सुनो सुनो पहले तो अपन लोग किसको मान रहे हैं, डिफेक्टिव को मैं सक्सेस मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो पी हो जाएगा 10% 0.1, क्यू मेरा हो जाएगा 0.9, मुझे किसका चाहिए एग्जैक्टली 2 का, ठीक है ना। तो एन सी आर सक्सेस की पावर आर फेलियर की आर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, बहुत समय नहीं हुआ इसको किए हुए, ठीक है ना। देखो अभी के लिए हो जाएगा 10C2 सक्सेस की पावर 2 फेलियर की पावर 8। अब सुनो इसकी वैल्यू अभी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है निकालनी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अब छाप लो अभी का, ठीक है। कितनी हो रही है बेटा वो 0.1937। नेक्स्ट देखो अब हो रहा है, नहीं मुझे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से बताओ आप लोग। तो पहले मुझे लामडा निकालना पड़ेगा, इसका लामडा कितना आएगा मेरा, हाँ लामडा विल बी इक्वल टू एन इन टू पी, मतलब 1 आ रहा है मेरा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या जाएगा, e की पावर माइनस लामडा, ठीक है, लामडा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। अब e की पावर माइनस 1 दिया है कि उसने नहीं दिया, पीछे देखोगे अगर आप लोग, देखो एक बार बताओ मुझे 0.368 होता है मेरे को लगता है, हाँ वो ये यहाँ दिया हुआ था। तो 0.368 इंटू 1 अपॉन 2 उसकी वैल्यू है 0.184। बेसिक कंसेप्ट ये क्वेश्चन का ये था कि देखो 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 कितने पास में आए प्रोबेबिलिटीज बेटा, वो बुक से, वो पीछे बुक आपके बुक में ना टेबल दिया हुआ है। ओ माइनस वन क्यों आया, ई की पावर माइनस लैम्बडा था, लैम्बडा की वैल्यू एन इंटू पी होती है, तो एन इंटू पी बिकेम वन, हेंस लैम्बडा वाज इक्वल टू 1। तो ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो देखो गाइस ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देगा, वो अगर उसे देना ही है ना तो वो क्लियरली आपको बोलेगा पॉइजन से करो कि ये कैलकुलेशन आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है क्या 0.9 की पावर 8। अरे भाई उसका लास्ट डिजिट याद है, अपन कल रात को निकाल रहे थे, उसमें जान निकल जाती तुम लोगों को, पूरे डिजिट निकालने मरमुरा जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो वो बस ये बताना चाहता कि देखो हमारा बाइनोमियल से भी और साथ ही साथ कैसे
पॉइजन से, आंसर कितने पास पास मारे क्यूट से, समझा ये चीज। यही अगर n की वैल्यू और ज़्यादा होगी और p की वैल्यू और कम होते जाएगी तो ये वैल्यूज और पास में आ जाएंगे, समझा ये चीज़ है। एक बारी के लिए ये क्वेश्चन के आगे लिख लो, गुड टू अंडरस्टैंड कि बाइनोमियल और पॉइजन का आंसर। एक चलो जो जो ये नीचे लिखा हुआ है तुम क्यों लिखो, उसने बेटर इंग्लिश में लिखा है भाई, ये देख लो इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, ये बस एक बार का ये देख लो, इसको सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, फाइन। अब नेक्स्ट वाले पे अपन लोग आते हैं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 भी रुक जाओ अभी के लिए आप लोग, वो एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा ही है पास में, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाओ आप लोग। ये क्वेश्चन इजी लगेगा, फिर इसके बाद में एक मस्त चीज सीखने मिलेगी, ये लोग खुद से ट्राई करो एक बार, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट सिर्फ ना फॉर्मूला फॉर्मूला लिख दो, तुमको कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को अभी एकदम से कि कैलकुलेशन करके दो, पर खुद से फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के रख लो। तीन मिनट दे रहा हूँ बेटा मैं ऑन क्लॉक, ठीक है ना, तुमको जो जो चीज़ जम रही है इसकी वो करना, जैसे अलार्म बजेगा स्टॉपवॉच का अपन आगे बढ़ेंगे। अरे यार ये पता नहीं इंटरनेट क्यों उड़ रहा है रोज। थोड़ा बेटा हॉटस्पॉट क्रिएट करना, आईफोन बोल बंद करके शुरू कर रहा था मैंने। हाँ बेटा अभी के लिए अब तुम्हारा अगर मैच कर रहा है आंसर तुमको लग रहा है, हाँ ले कलेक्ट कर थोड़ा, थैंक यू बेटा। थैंक यू तो बोल दिया मैंने, तेरा इंटरनेट फिर रुक गया, अच्छा मेरा ये रीकनेक्ट क्यों मार रहा है इसको यार, रुक और थोड़ा पहले थैंक यू ले लिया क्या तू, बंद करके शुरू कर।
ओ दीवी तुम्हारा ऑर्डर पढ़ दो। बोल दीवी बेबी। कैपिटल डी है क्या? डी के थोड़ा छोटा हो गया बेटा पासवर्ड। बोल मैं भेज रहा हूँ लिंक। डी के 1 2 3 4 आगे क्या था? बहुत बढ़िया मिल गया सबको पासवर्ड। बेटा अगर जिन लोगों का हो रहा है वो कैलकुलेशन भी करके कंप्लीट कर लो उस चीज़ को, ठीक है ना? माता जी की फोटो तो बड़ी क्यूटी है। क्या सर? कुछ नहीं बेटा। एक शिफा ऑनलाइन थी और कौन लोग ऑनलाइन थे बच्चे लोग? पठानू थी। शिफा ने भी नहीं पढ़ा है, पठानू ने भी नहीं पढ़ा है। भाई उन दोनों को कॉल करो, कोई शिफा का नंबर है कर, तू पठानू को कर। शिफा का आ गया है। पठानों ने भी पढ़ लिया ठीक। और कोई था क्या बेटा? हाँ दानिश छुट्टी पे, वो कृति भी छुट्टी पे है। अब गाइस चलो वही, अब यहाँ ध्यान दो बेटा। अ ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ बाइसाइकिल राइडर्स दैट यूज अ पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। ही रिकॉर्ड्स दैट एवरेज 3.2। मतलब क्या हो गया? मीन मतलब यहाँ पे हो गया लैम्डा की वैल्यू की 3.2 एवरी आर। अभी के लिए ना आप लोग को एवरी आर का मतलब इतना मजेदार समझा नहीं है, ठीक है ना? अपन आगे देखेंगे इस चीज़ के लिए। गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसाइकल्स दैट यूज कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करते बताइए हो, टू और लेस का बताओ इन एन आर। आपको पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 करना है, खत्म। 3 और मोर तो ये 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 रहेगा, खत्म। फुद्दू क्वेश्चन था ये वाला, बहुत स्ट्रेस नहीं था। ऑल्सो मीन, मीन एक्सपेक्टेशन यानी मीन मतलब लैम्डा ही बोल रहा है वो कितना होगा भाई। वेरियंस देख लो वही है क्या आंसर अपना, ठीक है यहाँ तक के कोई इशू इसमें किसी को? अब देखो आई थिंक ये नेक्स्ट वाला भी आप लोगों को, चलो ठीक है एक बार पढ़ लो आप लोग ये भी फट से, एक बार ये वाला भी करो खुद से, ये वाला भी खुद से हो जाएगा। छापता है कि भक्का 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 आंसर
समझाए ना अभी तक हल्दी 012 लेना था। ओके बेटा बातें मत कीजिए प्लीज, बता रहा मैं घर पे लगाऊंगा तेरा फ़ोन, तेरे डैड ने स्पेसिफिकली बोला था मुझे ग्रुप में ऐड करो। हाँ तो मैं डालूंगा ग्रुप में, बत्रा बहुत बातें कर रहा है अंकल, डालू मैं ग्रुप में, मैं पर्सनल पे डालना था एक्चुअल में कि गलती से छूट जाएगा अंकल का। तो मैं डाल रहा हूँ बत्रा बहुत डिस्टर्ब करता है सर क्लास में, प्लीज़ कीप अ चेक। नेक्स्ट अभी लाउटी क्या जाने वाला है कॉल गाइस जल्दी कीजिएगा ये वाला। हो गया गाइस भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन है अमंगस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर में से एक है। आ जाओ एक बार एग्जांपल नंबर 10 पूरा पढ़ो, ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना प्लीज यार। सूरजन वो क्वेश्चन छोड़ दे अभी, इस पे आ जाटा एग्जांपल 10 बच्चा।
देखो तू स्टार्ट विथ, तुमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। पहले मुझे ना चीजें बताओ, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, चलो बधाई हो, इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज 30 पर आर। सर 30 पर आर का मतलब क्या हो गया? ये लैम्डा की वैल्यू आप लोगों के लिए अभी क्या 30 हो गई है, बट अब सुनो, वो लैम्डा की वैल्यू कब 30 रहने वाली है? इन 1 आवर। ये अगर मैं 2 घंटे की बात करूंगा तो 60 हो जाएगी, या मैं 10 मिनट की बात करूंगा तो डिवाइड बाई 6। ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ मेरा एनुअल इनकम ऑन एन एवरेज मान लो 12 लाख रुपए है, तो मेरा ऑन एन एवरेज मंथली इनकम कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। और मेरा इनकम एन एवरेज इनकम इन 2 ईयर्स इतना हो जाएगा, तो 24 लाख रुपए, ने वो वैसा होगा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए पहले देखो उसने क्या बोला है इस सल्यूशन के साथ, एक बार देखते हो तुम लोग। पहले पहले तुमको पता है 30 था पर आर, पहले 10 मिनट के लिए आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? तो 1/6, तो ये 5 ही एक्सपेक्टेड है। यानी देखो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 30 अगर आ रहे हैं, तो हर 10 मिनट में 5 आ रहे हैं। चलो पहला वाला तो आ गया आप लोगों का, चलो ठीक। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स। अब सुनो, अभी लैम्डा की वैल्यू 30 रहेगी कि 5 रहेगी? अब देखो, अब आप पहले 10 मिनट की बात कर रहे हो, पहले 10 मिनट में ऑन एन एवरेज कितने एक्सपेक्टेड थे आपको? 5। उसने निकलवाया इसीलिए था आपसे। एग्जाम में हो सकता है आपसे ए सब पार्ट दे ही ना, वो डायरेक्टली बी सब पार्ट पूछे, बस खत्म। आपको ये समझना पड़ेगा आपका लैम्डा इक्वल टू 30 पूरे 1 घंटे के लिए था। अब आप अपना टाइम फ्रेम कम करके 10 मिनट पर आ चुके हो, समझाए सूडा? तो अब आप लोगों का क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 4, मतलब आप लोगों को वो कैसा नाम 4 ऐसा कुछ निकालना है आप लोगों को, ठीक है ना? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ओनली लैम्डा ओवर हियर बिकम्स 5। ये देख लो यहाँ तक है, ठीक है? एक बार के लिए a और b सपाट करो, बस खत्म, और कुछ भी नहीं, बस a और b सपाट खुद से करो। वो जो भी है ना p, जो भी था होना चाहिए था p, सॉरी सॉरी, मैं बट p, हाँ e एक्सपेक्टेशन वैल्यू ना मीन था, सॉरी। पहले आपको पीछे देखना पड़ता है टेबल से, हाँ पूरा पूरा निकाला पड़ता है ए और बी अभी के लिए।
चलो आगे देखे क्या, चलो आप लोग थर्ड सब पार्ट भी कर पाओगे उसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर और फ्यूअर इन फर्स्ट 10 मिनट्स, फोर और फ्यूअर में पी ऑफ 0, 1, 2, 3, 4 सबको ऐड करना पड़ेगा। सी वाला भी फट से कर लो, सी सब पार्ट भी कर लो फट से आप लोग। जिनका सी हो जाएगा ना वो डी क्वेश्चन पढ़ना, सल्यूशन मत देखना प्लीज़, और खुद सोचना उसका बोलने का मतलब क्या है, वो कराना क्या चाहता है, कैसे करोगे। डी वाला सब पढ़ना, सी अगर हो जाएगा तो एनी वन जो अभी भी सी पे है, यस वेटिंग, चलिए अब देखो डी सब पार्ट क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग आएंगे एक आर में। वैसे अपना एवरेज कितना था, 30 था क्या, नहीं नहीं बेटा एक घंटे का 30 था, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 10 या 10 से ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। बट
हुआ ये है, पहले 10 मिनट में ही 8 लोग आ चुके हैं। अब देखो चीज़ चेंज हो जाती है, देखो पहले अगर 8 मिनट, पहले 10 मिनट में 8 आ चुके हैं, तो अब कितने बचे हुए समय का आपको कंसर्न है? 50 मिनट्स का। उसके अंदर आपको कितने चाहिए है? 2 या 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 8 तो पहले आ चुके ना, टोटल तुमको 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए थे, 8 तो पहले आ चुके, तब 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए है। तो अब तुम्हारा बेसिक टारगेट क्या है लाइफ में? 50 मिनट में 2 और मोर लोग आए, ठीक है? तो अब तुम 50 मिनट में अपने आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब उसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा? 1 घंटे का अगर 30 था, यानी 60 मिनट था 30 था, तो 50 मिनट के लिए 25 हो जाएगा। और तुमको 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, P of 2, P of 3, P of 4, P of 5 से लेकर P of इन्फिनिटी तक के चाहिए, तो बेसिकली 1 माइनस P of 0 एंड P of 1 कर लो। बस ये ध्यान रखो लैम्डा की जब 25 चल रही है, समझा जी क्या हुई है? पढ़ाई करो, एक क्वेश्चन अच्छा है, एक क्वेश्चन का आई वुड रिकमेंड 4 मार्क कर लो, मैंने किया हुआ यहाँ। देख मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, P of 2, 2 लोग आए या 3 लोग आए या पे ऐसा करके इन्फाइनिट तक क्या है? नहीं, वो एवरेज था बेटा, मैक्सिमम 30 अलाउड नहीं है, तूने जब एवरेज में देखा तब, हो सकता है दिल्ली के अंदर जो G20 चल रहा हो वो सीन हो, आप उस दिन आ सकते हो 100 लोग भक्से, ठीक है ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ तो नहीं नहीं तुमको पीछे दी भी नहीं है क्या 95 होगी, तो छोड़ दो उसको, वैसे इसमें छोड़ दो फिर। E की पावर 2.5 से कोई तो निकाल ही नहीं पाएगा 25 का। नहीं नहीं जस्ट बता दो मैंने था, हाँ चलो बड़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नियरली वैसा ही अगेन, इसे 4 मार्क कर लो। एक बार तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, जो तुमने पिछला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वही पैटर्न में चल रहा है। देखो 48 कॉल्स पर आर है, ठीक है? तो वो बोल रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो 16 मिनट्स में अगर आप 48 कॉल्स मिलते हैं आपको, तो 5 मिनट में ऑन एन एवरेज कितने मिल रहे होंगे? तो ये बाय 12 यानी 4 आ रहे होंगे, 4 कॉल्स। तो ये इसके लिए फर्स्ट साइकिल लैम्डा की वैल्यू 4 मिल गई है आप लोगों को। पी ऑफ कितना है रिसीविंग 3 कॉल, पी ऑफ 3 निकालना है आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 10 कॉल्स इन 15 मिनट्स, तो 16 मिनट्स में अगर 48 मिलते हैं तो 15 मिनट में कितने मिलेंगे आप लोगों को? 12 मिलेंगे। 60 मिनट्स में 48 तो 15 मिनट में 12, तो यहाँ के लिए लैम्डा तुम्हारा 12 हो जाएगा। अभी वो पी ऑफ 10 मांग रहा है आप लोगों से, ये समझ में आप लोगों को? चलो पहले 2 सब पार्ट करो बस। और आई थिंक उसने भी ई के टर्म्स में छोड़ा है क्या पहला? तो हाँ मेरे साथ ई के टर्म्स में छोड़ना चाहिए उसने। ई की पावर 4 की वैल्यू दी गई है क्या आप लोगों को पीछे इसमें बुक में? हाँ, तो वो जो वैल्यूज अगर दी गई है तो फिर वैसे वैल्यूज डाल करो।
पीछे कहाँ तक की वैल्यू पता है? 9, 10। तो फिर 12th वाले की दी भी नहीं है, तो उसने उसने कोई एक ही बार -12 पे छोड़ा उसने भी। हो गया गाइस ये दो। अब देखो थर्ड वाला, ये कोई कर रहा है क्या? यस वेटिंग, सॉरी। चलो अब ध्यान दो बेटा प्लीज। सपोज नो कॉल्स आर ऑन होल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब एक और कॉल नहीं आया हुआ है। हाँ वैसे ही ने, ठीक है। इफ द एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट द करंट कॉल, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी ऑन वेटिंग बाय दैट टाइम? देखो एट प्रेजेंट ऐसा हुआ कि जस्ट मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, ठीक है, कॉल सेंटर का जो भी था, मुझे पता नहीं क्या है, कॉल सेंटर मान लो, ठीक है। फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठा लिया, अभी कोई होल्ड पे नहीं है। अब से लेके अगले 5 मिनट में कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो होल्ड पे है? यानी मैं उन्होंने आप बोल रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ 5 मिनट लंबी बात करने वाला हूँ सामने वाले से, तो अब कितने होल्ड पे आएंगे? तो आप लोगों को बेसिकली क्या निकालना है, अब 5 मिनट का कितना एवरेज रहेगा? तो देखो अभी का आप लोगों को ये पता है, हर कहते हर 60 मिनट में कितने कॉल्स आ रहे थे? 48। तो हर 5 मिनट में कितने आएंगे? तो कुछ 4 आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 4 कॉल्स होल्ड पे हो गए अब, ठीक है। मैं अकेला बंदा हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोला मैं आते थे कॉल आ चुका है, अब मैंने क्लॉक स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज 4 कॉलर्स तुम्हारे होल्ड पे रहने वाले हैं, ये समझाए। अब इसे आगे देखो, इफ नो कॉल्स आर बीन प्रोसेस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एजेंट टेक्स 3 मिनट्स फॉर पर्सनल टाइम विदाउट बींग इंटरप्टेड एट ऑल? नहीं ना बेटा। ओ अच्छा, इसके आगे भी कुछ था क्या?
वॉट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन विल बी वेटिंग. तो देखो अब आप लोगों का लैम्डा हो चुका है 4. अब आपको पी ऑफ 0 मांग रहा है वो, ठीक है. अब इसके बाद वाला ही बहुत बढ़िया है. अगर मान लो अभी तो कोई कॉल बज नहीं रहा था, तो मैं 3 मिनट के ब्रेक पर चले गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी तब एक भी कॉल ना है. तब मेरे को 3 मिनट में कितने ऑन एन एवरेज कॉल्स आते हैं वो निकालने पड़ेंगे. तो देखो 60 मिनट में कितने आते हैं कॉल्स, 48. तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, आई थिंक 2.4 हो रहा है क्या डिवाइड बाई 20 का, आई सपोज. तो लैम्डा के लिए 2.4 हो जाएगी, ठीक है. तो अब मुझे एक भी कॉल वेटिंग बना रहे ना, पी ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, वही है ना. हाँ देखो एक बार वापस समझो आप लोग. देखो पहले 2 समझना इतना इशू नहीं था. युग ये देखो तुम्हारा एवरेज 60 मिनट का दिया हुआ था, 48 कॉल्स, ठीक है ना. आपको पहले पूछा गया बताओ 5 मिनट का एवरेज क्या है, ठीक है, तुमने बता दिया. फिर तुमने को ये बोला गया बताओ उसके अंदर एग्जैक्टली 3 कॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमने वो भी बता दिया. नेक्स्ट सब पार्ट था बताओ 10 मिनट अच्छा 15 मिनट का एवरेज क्या है, तुमने वो तो बता दिया. उसके अंदर एग्जैक्टली 10 कॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तुमने वो भी बता दिया. थर्ड वाला क्या था, ठीक है, अभी 9 कॉल्स ऑन होल्ड, एजेंट को 5 मिनट लग रहा है जो बंदा बात कर, जिससे बंदे से बात कर रहा है. हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय दैट टाइम. तो अगर मान लो 5 मिनट तक तुम बात करने वाले हो, तो 5 मिनट कितने ऑन एन एवरेज कॉल आ सकते हैं. तुमने उससे लामडा निकाल दिया तब का 5 मिनट का, और फिर बोला कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी 0, अब एक भी वेटिंग में नहीं रहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो लामडा 5 मिनट का जो भी तैने 4 आया था सपोज, ठीक है, तो उसमें पी ऑफ 0 की वैल्यू बोल रहा है. अब नेक्स्ट वो 3 मिनट का ब्रेक ले रहा है, या 3 मिनट किसे फ़ोन पे बात कर रहा है, या जो ब्रेक रहते अपने, ठीक है ना, वो चल रहा है उसका. अब वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी तब एक भी कॉल नहीं आएगा. तो 3 मिनट का आप लोग लैम्डा निकालोगे, आई थिंक 2.4 आया था, मेरे को रट गया गलती से, ठीक है. अब उसके अंदर एक भी कॉल नहीं आना, पी ऑफ 0 की वैल्यू मांग रहा आपसे. समझाइए एक बार ये कर लो, ये क्वेश्चन दोनों जो थे लास्ट 2 क्वेश्चन अच्छे थे बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड एक्स वैल्यू 0 लेना पड़ेगा. इसका नाम क्या है, बियो ना, ये एक बार तेरी बुक दे बच्चा, न्यू है ना, हाँ तो पेन दे दो. तुम लोगों को सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम हट गया ना, हाँ हट ही गया, नहीं है ना. प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसके, ठीक है ना, तू पहले कर, तेरे को अलग ही भावना आ जाती है एकदम से बीच बीच में. हाँ हाँ कल समय मिलेगा तो को जिम करने का आना, यहाँ पे अपन साथ में करेंगे वर्कआउट. गाइस देखो 10th और 11th जेन्युइनली अच्छे क्वेश्चंस है ये. अगर तुम लोगों को 5 मार्क के केस स्टडी बेस 5 मार्क के हैं ना तुम्हारे, 4-5 जो भी है, हाँ उसके अंदर पूछ सकता है बेटा वो. अब वो इतने सारे सब पार्ट्स ना पूछे शायद, तो उसमें वो 1-1 और 2 मार्क का जो रहता है उसे आप कुछ करके डाल दो क्वेश्चन को. चलो अब बढ़ सकते हैं आगे, एक बार खत्म करो, दिव्य को आ जान दो. हाँ चलो अभी अब बेटा एक बार के लिए ना ये प्रॉपर्टी पे आ जाओ. ये अपने स्टार्टिंग में छोड़ दी प्रॉपर्टी जैसा, कहाँ आ गई भाई, हाँ ये रही. ये सिंपल सा ऐसा याद रख लो, पी ऑफ 1 इज लैम्डा बाय 1 टाइम्स पी ऑफ 0, पी ऑफ 2 इज लैम्डा बाय 2 टाइम्स पिछले वाला,
पी ऑफ 10 विल बी लैम्डा बाय 10 टाइम्स पी ऑफ 9। समझ में आ रही क्या चीज़ आप लोगों को? हाँ देखो, पी ऑफ एन इज गोइंग टू बी लैम्डा ओवर एन, नहीं मान लो तुम कुछ भी, कोई भी यार अल्फाबेट बोलो, ए, तो अल्फा बाय ए लैम्डा बाय ए पी ऑफ ए माइनस 1, ठीक है ना। ये ऐसे याद करने जाएगा, मैंने ऐसे बताया तुम लोगों को, फैन ऑफ यहाँ तक के। अब देखो, तुम लोगों को दो या तीन एग्जांपल्स छोड़वाए थे मैंने ना अभी तक के, फिफ्थ छोड़ा था अपन लोगों ने। अब देखो, तुमको इफ पी ऑफ 2 की वैल्यू जो भी दी गई है आपको, पी ऑफ 0 की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले तो मैं पी ऑफ 2 क्या लिख सकता हूँ, मैं लैम्डा बाय 2 टाइम्स पी ऑफ 1 लिख सकता हूँ उसको मैं, ये इज इक्वल टू 2 बाय 3 टाइम्स पी ऑफ 1 दिया गया ही था मुझे, पी ऑफ 1 कट गया मेरा, तो लैम्डा की वैल्यू 4 बाय 3 आ गई है। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 4 बाय 3 आ चुकी है, मेरा पी ऑफ 0 मैं निकाल सकता हूँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ये सब कुछ तो 1 ही होता है, ये आ जाएगा आप लोगों का, करो फट से। ये 2 मार्क का है वैसे क्वेश्चन, बट MCQ में पूछा तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो। देख देखो प्रॉपर्टी समझिए, अच्छा तो ये चीज़ तेरे को दी गई है, पी ऑफ 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बाय 2 पी ऑफ 1, और ये इक्वल टू ये बचा हुआ वैसा का वैसा है मेरा, ये पी ऑफ 1 कट गया, तो लैम्डा के लिए 4 बाय 3 आ गई, फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है बता, ठीक मैं कॉल भी कर लूँगा और गुआ के घर पे भी एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूँगा, गुआ के यहाँ तो बहुत जल्दी रिप्लाई आता है इन चीज़ों का, तो वही बोल रहा हूँ बातें मत करो उससे। हाँ तो थोड़ा, हाँ बिल्कुल, तो 2 मिनट का ब्रेक दूंगा बेटा मैं 2:30 बजे, ठीक है ना। हाँ चलो अब गाइस नेक्स्ट वन, सेवेंथ वाला नेक्स्ट, यस, इफ द वेरियंस, बेटा वेरियंस मतलब क्या हो जाएगा, पहले जो रूट लैम्डा रहेगा कि लैम्डा रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन द रूट लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू तुम लोगों को 2 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले तो तुम लोगों को क्या कहते हैं, ये पी ऑफ 1 निकाल रहे हो, ठीक है, पहले पी ऑफ 0 निकाल लेते हैं, मतलब चलो जाओ, मेरा पी ऑफ 0 कितना हो रहा है बेटा, हाँ ई की पावर माइनस लैम्डा हो जाता है जिसकी वैल्यू दी गई है। अब पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाता है, अपने लैम्डा बाय 1 पी ऑफ 0, तुमको पी ऑफ 0 की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तुमको पी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 की वैल्यू तुम निकाल चुके थे, लैम्डा की वैल्यू पता है, 2 तो पता ही है, ऐसे करके निकाल सकते हो, मैं जैसे 1 और 2 तक निकाल दो तो बचाओ बोल रहे हो क्वेश्चन हो।
चलो हो गया है। अब गाइस अब एक बार ध्यान दो, अब आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को ये चीज़ मैथ्स में थी और अपन ने की नहीं थी, या फिर कट गई थी या जो भी, और इकोनॉमिक्स में थी नहीं थी। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई क्रिकेटर का स्कोर, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का स्कोर, ठीक है ना, मैचेस में, वनडे मैचेस में, तो बेटा उसका एक एवरेज आता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, मे बी इट्स लाइक 38.5 कुछ भी हो। डज दैट मीन वो हमेशा 38.5 मारता है? और डज दैट मीन मैक्सिमम टाइम 38.5 मारता है क्या? नहीं। देखो ये 38.5 तो मान सकता है, 39 मान लो, क्या इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम टाइम से 39 मारा होगा? तो नहीं बेटा, मैक्सिमम टाइम जो मार रहा है उसका मतलब क्या हो जाता है? मोड। एवरेज जो होता है वो होता है मीन, मीडियन आप लोगों को पता है क्या होता है? जो अगर मैं उसका जो सबसे पहला सबसे कम स्कोर से लेकर सबसे ज़्यादा स्कोर तक के लेके जाऊंगा, विच माइट स्टार्ट फ्रॉम जीरो और हाइएस्ट शायद 183 था, आई डोंट नो, वहाँ तक के जाऊँगा, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया मैंने, तो जो मिड वैल्यू आएगी वो करेक्ट। अगर मान लो कोई कारण से उसके 100 जीरोज़ है, बीच की वैल्यूज कम है और फिर 183 है, तो क्लोजर टू जीरो उसकी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं ना, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट अभी वैसा जो मैंने बताया ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे, मतलब ही कैन स्कोर 0 रन, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन, 6 रन, 7 रन। एक बार इसे मानने के लिए मान लो वो 0.1 रन भी हो सकता है, 0.2 रन भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस है, ठीक है। तो देखो उस समय पर ना आप लोगों का ये ऐसा दिखता है कुछ, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग इज अकरिंग, और ये जो भी वो वैल्यूज है एक्स आई जो बोलते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ प्रिटी मच पॉसिबल कि वो कुछ ऐसी हो। देखो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चा लोग? वो मीन नहीं रहेगी, वो मोड रहेगी बेटा, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज मीन तुम्हारा कहीं यहाँ पे आएगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड वैल्यू जैसा कुछ तो भी करके ये आप लोगों का मीडियन आता है। इसको निगेटिवली स्क्यूड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ आई डिड नॉट गेट यू। नहीं 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 मीडियन क्या होता है? मैं ये इन दोनों का मिड वैल्यू नहीं है, मीडियन बेसिकली ये यहाँ से यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, ये जीरो मान ले एक ही बार आया हो, ठीक है, ये मान ले कुछ 4 रन से 5 बार आए हुए हो, तो जीरो एक बार लिखा, 1 एक बार लिखा, 2 एक बार लिखा, 3 एक बार लिखा, 4 को 5 बार लिखा। वैसे अगर जब मीडियन जो निकालते थे ना, वैसे मैंने मीडियन निकाला तो मीडियन की वैल्यू कुछ ये आ रही थी, ठीक है, सॉर्ट ऑफ येस, ठीक है ना। अब देखो एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी तब? मोड। ये कुछ आसपास में आ जाएगी तुम्हारी मीडियन, और ये आ जाएगा तुम्हारा मान लो मीन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, आपको ये दोनों नहीं है, फाइन। ये आई थिंक आप लोगों ने पहले किया हुआ है, नेगेटिवली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। मैंने 11th 12th में किया था या इंजीनियरिंग में किया था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो तुम लोगों को है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यू नहीं होता है, मतलब क्या रहता है? वो कुछ ऐसा चलता है, ठीक है, इसके अंदर यही मीन, यही मोड, यही मीडियन रहता है, यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे कर्व को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या गॉसियंस कर्व, या बेल कर्व, ठीक है, युग युग नहीं कहता चड्डी, हाँ समझाई चीज़ क्या हुई है? नॉर्मल कर्व, गॉसियंस कर्व या बेल कर्व। अब बेटा ये मैं आप लोगों को ना इतना स्ट्रेस लेके इसलिए बता रहा हूँ
रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था केसी केस में, मैं पढ़ाने के लिए जो चल रहा था मेरा, मुझसे उन लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन पूछे, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूछे। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, बट सिर्फ वो ये डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास 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 के ही उन्होंने इतने क्वेश्चन मेरे ऊपर बैक टू बैक किए। देर वॉज अ गुड टाइम आई वॉज पैनिकिंग अ लॉट, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने नहीं रहा कभी भी। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो, एक बार तुम लोग ये बेसिक समझ लोगे ना तुम लोगों को आगे इसमें अच्छा हो जाएगा। अब देखो, अब अपन लोग जब नॉर्मल कर्व पढ़ते हैं ना, नॉर्मल कर्व में ये जो दोनों की दोनों एंड्स जो है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, ये एक्स एक्सिस के ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी तक ये बढ़ाऊंगा तो कभी तो भी टच करेगा, और टच नहीं करते, ठीक है ना। इसके अंदर जो एरिया जो आता है इसका एरिया हो जाता है वन, और ये जो है मीन की जो लाइन बनाऊंगा वो मिरर जैसा एक्ट करता है। किस जैसा एक्ट करता है? मिरर जैसा एक्ट करता है। मतलब क्या, इसके लेफ्ट साइड का एरिया और राइट साइड का एरिया इक्वल इक्वल होता है, कितना हो जाएगा वो हाफ एंड हाफ, ठीक है। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा मीन कुछ है 10, तो मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह होते थे, ये चीज़ अब मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ कि कितने स्टैंडर्ड डिविएशन, वन स्टैंडर्ड डिविएशन और माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन में कितना एरिया कवर होता है, वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी नहीं है, ये वन स्टैंडर्ड डिविएशन वाला हो जाएगा, मे बी ये टू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जो आप लोगों को आई थिंक कल के सेशन में बता रहा था ना मैं, ये और ये उसके बियॉन्ड वाला, ये चीज़ें मैं नहीं करा रहा हूँ। बट आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज़ें करनी है। अब आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते आपको पता है क्या? तुमको स्लोप याद है? स्लोप कैसे निकालते थे अपन लोग? नहीं, कुछ और वाई टू माइनस वाई वन एच टू माइनस एक्स की जगह एक चैप्टर पढ़े उसके ऊपर अपन ने, क्या डेरिवेटिव निकाल के, ठीक है ना। तो जब आप डेरिवेटिव निकाल के स्लोप पता करते हो, वैसे एक इंटीग्रेशन होता है वो करके आप लोग इसके अंडर का एरिया निकाल सकते हो, पर अगर आप वो करने जाओगे ना मर जाओगे। तुम इंटीग्रेशन सीखोगे जब तक तुमको रिलाइज होगा इंटीग्रेशन वैसे सिंपल है तुम लोगों को, ठीक है ना। जैसे ही उसका थोड़ा लेवल बढ़ता है, वो कोर हो या कोई भी हो, इंटीग्रेशन रुलाता है। तो उससे बचने के लिए हम ये जो रहता है स्टैंडर्डाइज कर्व, यानी जो नॉर्मल कर्व होता है, इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करते का मतलब क्या होता है? हम लोग कोशिश करके ये मीन जो है उसको शिफ्ट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर ला लेते हैं, मतलब मीन की वैल्यू ज़ीरो ला लेते हैं अपन लोग। तब हमारा कैसा हो जाता है कर्व, ये मान लो ये कर्व ऐसा जो बना है, तो ये जो है अब मेरा जो कि मेरा मीन था, मीन की वैल्यू ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ में जो स्टैंडर्ड डिविएशन थे मेरे उसकी वैल्यू वन बनाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा हवे में नहीं बन जाता कि अपने उठाया शिफ्ट कर दिया, नहीं। देखो ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कर्व कुछ ऐसा था, ये वैल्यू ज़ीरो, ये वैल्यू वन, ये वैल्यू टू, ये वैल्यू थ्री, ये वैल्यू फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। मान लो एट दैट टाइम मेरा कर्व कुछ ऐसा जो बना था उसकी मीन के लिए कुछ थ्री इश होगी, ठीक है। तुम बोलोगे सर इसको ऐसा उठाया मैंने और इसको शिफ्ट कर दिया कि मीन मेरा ज़ीरो हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन वन हो रहा है ज़रूरी नहीं है, तो तुम लोगों को स्मार्टली मीन को ज़ीरो और स्टैंडर्ड डिविएशन को वन करना पड़ता है। सर वो करने से क्या होता है? वो करने से आपके बुक में ना आखिरी इसमें जेड स्कोर का एक टेबल बना हुआ है, तो उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर का एरिया निकाल पाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट उसके पहले एक बार के लिए आप लोग बुक पे आ जाओ। बेटा प्लीज़ ध्यान देना, कैसा नाम? सरीना। डेड मर दो बेटा, तुमने एक बार कंसेप्ट देख ले तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज सिंपल हो जाएगी, बस प्लीज़ एक बार ध्यान दो। ये देखो अभी के जस्ट तुमको बता देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम लोगों का। इसके अंदर पहले तो फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव ही रह सकती है, कोई भी चीज़ होने का चांसेस है फ्रीक्वेंसी या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो ही सकती है। प्लस इसके अंदर का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट ऐसे होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के इंटीग्रेशन, तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बट कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू हो जाती है वन। ये भी तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है ए से लेके बी का इंटीग्रेशन वगैरह क्या होता है, वो छोड़ दो, जब तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब थोड़ा वो समझ में आएगा, उसका स्ट्रेस मत उठाओ अभी के लिए। बट सुनो प्लीज़ सुनो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मोड मीडियन तो सेम हो जाता है, ठीक है। उसका एक्चुअल में जो कर्व का इक्वेशन है वो ये बनता है, ठीक है, तुमको याद नहीं करना है। अगर गलती से तुम स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता था,
जो तुमको वैसे ही नहीं आता है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस मत रहो अगेन, ठीक है। हम लोग जब उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं तो एक्स की जगह पे हम लोग जेड लाना शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं आपको बताऊंगा मैं। जहाँ पे जेड की वैल्यू होती है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सर ये सब कुछ क्या है, धीरे धीरे सब चीज़ें समझेगी, अभी के लिए बहुत स्ट्रेस मत रहो, ठीक है ना। तब देखो चलो पहले सब कुछ ये छोड़ते हैं, अपन लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। पहले ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है मुझे, जेड स्कोर निकालना है सबका। जेड की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स, एक्स मतलब क्या होता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, माइनस म्यू मतलब क्या था मीन, अपॉन सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सुनो ये जो डेटा दिया गया है ये बटरफ्लाई टाइप वन, बटरफ्लाई टाइप टू, बटरफ्लाई टाइप थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन है, ठीक है ना। उनका लेंथ दिया गया है, जो मान लो ये बटरफ्लाई ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह थे, उनके लेंथ दिए गए थे, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्या मैं इससे मीन निकाल सकता हूँ, क्या मेरा मीन आ रहा है 3, क्या मैं उससे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकता हूँ। मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वाला फॉर्मूला याद था, ठीक है। अरे अब एक सन हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर लिख लो तुम लोग अपने इसमें वहाँ पे। हाँ बेटा का अंडर रूट ऑब्वियसली, हाँ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ये बटरफ्लाई टाइप ए है, बटरफ्लाई टाइप बी है, बटरफ्लाई टाइप सी है, बटरफ्लाई टाइप डी है, ई है, एफ है, जी है। ओ भाई वो अंडर रूट यहाँ पे गलती डालना भूला हुआ हूँ मैं, वो अंडर रूट डालना, एन माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू एन एम मीन था तुम्हारा, उसे स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाएगा। हाँ अब देखो मेरा मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जब आ गए हैं, अब प्लीज़ जान दो, अब मुझे ये था एक्स दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, पर मुझे एक्स जगह अब क्या लाना था जेड, तो जेड की वैल्यू क्या होती है मेरी, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये पहला क्या हो जाएगा बेटा, पहले वाले के लिए एक्स के लिए 2 थी, मीन कितना आया था मेरा 3 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है मेरा अप्रोक्सीमेटली, अरे भाई 1.69 है, तो 2 माइनस 3 अपॉन 1.69 जो वैल्यू आएगी वो इसका जेड स्कोर हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा बेटा मेरा, वही एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा फिर से लगाऊंगा तो ये तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए क्या आएगी 3 माइनस 3 अपॉन 1.69 मतलब 0 आ जाएगी, इसके लिए ये सेम वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। 5 वाले के लिए क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 अपॉन 1.69, वैसे ही 1 वाले और 6 वाले के लिए निकाल सकते हो। तुम लोग क्यों निकाल रहे हो उस पे स्ट्रेस थोड़ी देर बाद देंगे अपन लोग, क्या निकाल रहे हो वो समझने के लिए वापस से यहाँ पे आओ। तुम लोगों के साथ हुआ ये है, तुमको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था वो नॉर्मल भले ही था बट स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है ना। तो उसने जो ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जो लिखी थी ये एक्स आई थी तब, ठीक है ना, क्या थी ये एक्स आई थी, बट इसका एरिया हम लोग पीछे से देख नहीं पा रहे थे, जो हमको जेड स्कोर का कर्व दिया गया उसने हमको उसको जेड्स में कन्वर्ट करना था। तो जेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन या एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपको ये दिया जाएगा 99%, ये दिया जाएगा आपको 99%, अभी उसने दिया नहीं था इसलिए निकालना पड़ गया। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है, अभी आप लोगों को मैं बोल नहीं रहा हूँ कि करो, बोर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार अपन आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो, यस गिवन दैट मीन इज 12 चलो ठीक है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, मुझे जेड स्कोर बताओ अगर डेटा पॉइंट 20 है। डेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 20 है, देखो एक्स की वैल्यू 20, मीन की वैल्यू 12, स्टैंडर्ड डिविएशन 4, तो जेड इज एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो वो क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 बाय 4 मतलब 2 आ जाएगा। तो ये जब x 20 है तो उसका इक्विवेलेंट z कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। दिव्या ध्यान दे भाई, नहीं समझेगा खुद से कभी भी। नेक्स्ट क्या दिया गया है बताओ, x क्या है अगर z की वैल्यू 5 है। तो सर देखो फिर से अपन लोग अपने वही फॉर्मूला के ऊपर आ गए, z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, z की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू पता नहीं है, माइनस म्यू कितना है बेटा मेरा 12 अपॉन सिग्मा कितना है 4, 20 32, एक्स की वैल्यू 32 हो रही है। नेक्स्ट वही है, एक्स बताओ अगर जेड की वैल्यू माइनस 2 है, तो अगर ये माइनस 2 है तो जाएगा माइनस 8 प्लस 12 हो जाएगा कितना 4। समझ में आया ये वाला, क्यों कर रहे हैं अभी छोड़ो, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो फट से पहले एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ, मैं सिर्फ यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ,
जेड इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये यूज कर करके मेरे को ए बी और सी के आंसर निकाल के दो। P0 वो कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, लास्ट एग्जांपल जो सेवेंथ एग्जांपल के उसमें लिखा हुआ था नाम उसका। हाँ बेटा नहीं समय बर्बाद हो बेटा, क्यों सबका हो जाएगा फिर है ना, जल्दी जा जल्दी जा। गाइस ये हुआ है क्या, बेटा आप लोगों के इसमें ये देखो एक z का ये ऐसा वाला होगा बेटा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट पेज वगैरह पे, एक बार देखो लास्ट पेजेस वगैरह क्या है, पेज नंबर 673 पेज नंबर एक बार निकाल कर रख लो। नहीं नहीं बेटा हो जाएगा चैप्टर ख़त्म, हो सकता है चैप्टर पहले ख़त्म हो जाए या ना भी हो, तो ख़त्म करना है बच्चा आज। देख मेरे साथ 40 मिनट में हो जाना चाहिए चैप्टर ख़त्म, है तुम्हारा सॉल्विंग इंक्लूडेड, तो वही वही तो 40 मिनट के बाद में 20 मिनट का ब्रेक लेना और फिर घर जाना अच्छे से। हाँ सब रुके थे तेरे लिए, चलो ओए देखो बेटा अब ये वाले कर्व के हिसाब से देख लो आप लोग, ये देखो ये जो मीन मोड मीडियन है ये आपको क्या बता रहा है, ज़ीरो है, जेड की कुछ तो भी वैल्यू रहेगी आप लोगों की, मान लो अगर नेगेटिव 2.8 है ये लेफ्ट साइड में रहेगा, जब आप जेड स्कोर देखोगे ना बेटा तो आपको ये यहाँ से लेके माइनस 2.8 तक के का एरिया बताएगा वो यहाँ ध्यान दे, ठीक है। अगर आप मान लो जेड की वैल्यू 4.3 है, यहाँ पे 4.3 आ रहा है, तो आप लोगों को माइनस इन्फिनिटी से लेके 4.3 तक का एरिया बताएगा। मुझे बस बताओ जेड इक्वल टू जीरो पे एरिया कितना आने वाला है, परफेक्ट, ये जेड इक्वल टू जीरो पे हाफ एरिया आने वाला है, जस्ट ये मिरर इमेज एक दूसरे का, ठीक है ना। मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को, मान लो ये जेड इक्वल टू माइनस वन पे इसका एरिया आ रहा था 0.2, ठीक है ना, तो 1 से लेके इन्फिनिटी पे कितना एरिया होगा उसका, बचा कुचा पूरा अंदर में 1 रहेगा तो बचेगा कितना 0.8।
अब सुनो सुनो सुनो, प्लीज़ ध्यान से सोच के बोलना प्लीज़ गाइस, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं डायरेक्टली, मुझे बताओ माइनस वन से लेके जीरो तक के में कितना रहेगा? 0.3। हाफ नहीं ना चोपली, तो पूरा बोलना। तू बोल बेटा, हम लोग क्या है, फिर आगे तू आंसर बताने वाली है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करें। तो देखो अब ये होना चाहिए था हाफ, इसमें से ये हट गया तो ये बचा 0.3, ठीक है। अब सुनो माइक, डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली वॉज दिस, फाइंड द एरिया टिल जेड इक्वल टू वन, माइनस इन्फिनिटी से जेड इक्वल टू वन तक का एरिया। सोचो इसको निकालने कई तरीके हैं। कृष्ण सही बोला आंसर, 0.8। मुझे नहीं पता तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आंसर कर दिया। अच्छा तुम लोगों को पहले निकलवाए इसके लिए। हाँ हाँ मैं वो वाला बता रहा हूँ तुमको तरीका। देखो पहले मैं कृष्ण का तरीका बताता हूँ। कृष्ण ने क्या बोला, सर अब भी आपने ये बताया कि ये एरिया कितना हो गया है 0.3, तो उस कारण से ये वाला एरिया भी कितना होने वाला है 0.3, मिरर इमेज है। तो सर पूरा एरिया 0.2 + 0.3 + 0.3, अकॉर्डिंग टू मी लंबा तरीका। तुमको शॉर्ट इसलिए लगा क्योंकि अभी तुमने ये वाला एरिया जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था। सरीना ने जो किया बेटर तरीका, सुनो उसने क्या बोली, सर मिरर इमेज है ना, तो ये राइट साइड का एरिया यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, तो बचा कुछ एरिया 0.8 आ जाएगा। समझा जी क्या हुआ है? हाँ हाँ, हमेशा माइनस इन्फिनिटी से निकलता एरिया। तो जेड स्कोर में जो भी आप लोगों का एरिया है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके जेड इक्वल टू जो भी आप ले रहे हो वहाँ तक के है। समझा चीज़ें क्या हुआ है? अब देखो अगर जेड निगेटिव है तो हमेशा आंसर 0.5 से कम आने वाला है, और जेड अगर पॉजिटिव है तो हमेशा आंसर 0.5 से ज़्यादा आने वाला है। किसको नहीं समझेगा प्लीज़ बोलो, नहीं तो आप लोगों को ना आ गया कुछ नहीं समझेगा, ठीक है ना। हाँ बत्रा आप ध्यान देना, और दिव्या तू भी ध्यान देना, ठीक है। अपने मोबाइल वोबाइल अंदर रखो, और तू भी बत्रा। अब सुनो तुम लोगों को Z में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा। तुम X की वैल्यू दे दूँ तो तुम लोग यहाँ पे देख के नहीं बताते, तुमको पहले Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Z की वैल्यू कैसे निकाली थी अपन लोगों ने, X माइनस म्यू बाई सिग्मा से। तो जैसे तुमने वो निकाल दिए, अब तुम लोगों को ये फायदा हो जाएगा, तुम लोगों को अगर एरिया निकालना है तो तुम ये वाला चार्ट जो यहाँ पे नीचे दिया गया है वो बहुत सिंपल, उससे देखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, उसे हम लोग देख के बता सकते हो। अब देखो अगर मान लो यहीं से कोई लेते हैं, जेड की वैल्यू है माइनस टू, ठीक है। माइनस टू पे जेड की वैल्यू है 0., बाप रे क्या गंदी वैल्यू है यार, छोड़ अपने मन से लेते हैं। जेड की वैल्यू है -1.5, ठीक है। उस पे फॉर एग्जांपल ये एरिया आया था 0.1 फॉर एग्जांपल। इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जेड के लिए -1.5 तक का जो एरिया अंडर द कर्व है वो 0.1 है। अब अगर मैं ये पूछूंगा कि -1.5 से लेके इन्फिनिटी तक कितना रहेगा, तो पूरे कर्व का एरिया होता है 1, ठीक है। तो ये बचा कूचा कितना हो जाएगा, तो 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूँ टिल 0 कितना रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये सब मिरर इमेज है, आधा इधर आधा उधर, तो कितना हो जाएगा वो 0.5 ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट अगर मैं पूछूँ आप लोगों को कि 1.5 यहाँ पे नहीं, 1.5 से लेके इन्फिनिटी तक कितना एरिया रहेगा, तो सर यहाँ पे भी 0.1 एरिया ही रहने वाला है। क्यों सर? ये मिरर इमेज था, तो जितना एरिया यहाँ पे उतना ही एरिया यहाँ पे आने वाला है, यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा एरिया टिल 1.5 कितना रहेगा, ठीक है, तो आपको करने के मल्टीपल तरीके। जो बेटर तरीका जो सरीना ने पहले बताया था वो, सर मिरर इमेज है तो ये वाला हम लोगों को पता है ये 0.1 है, तो अब ये बचा कूचा जो आएगा वो 0.9 आएगा। या फिर जैसा कृष्ण ने किया था, वो बोला सर देखो ये बनाया ये बर्तरा, प्लीज़ ध्यान दे बेटा, आई किक यू आउट ऑफ द क्लास नाउ एंड आई एम नॉट किडिंग, फिर MUA नहीं करता रह जाना लाइफ टाइम तू, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एंड यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस नाउ। ये 0.4 होगा, ये समझे आप लोगों को, क्यों पूरा का पूरा था ये जीरो तक के हाफ, ये है
0.1, तो ये 0.4 बचेगा, सेम ये एरिया भी 0.4 हो जाएगा मिरर इमेज है क्योंकि, तो ये इतना मिला के आप लोगों का 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.4 हो रहा है 0.9। कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या आप लोगों को? अब सुनो, मैं तुम लोगों को चार्ट नहीं बना रहा हूँ, यानी ये मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोल दिया एट z इज इक्वल्स टू -3, मेरा एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो होता है 0.2 फॉर एग्जांपल, एंड एट z इक्वल्स टू 2 मेरा एरिया हो जाता है 0.6 फॉर एग्जांपल। मुझे बताओ व्हाट विल बी द एरिया फ्रॉम -3 टू 2। देखो वैसे ये ओरली करने की जगह पे ना, इन्हें ओरली करो, तुम ये डायग्राम जो दिया है उसमें विजुअलाइज करो क्या हो रहा है, तो तुम लोगों को ज़्यादा जल्दी दिखेगा। देखो अभी कहें वैसे 0.4 इज द करेक्ट आंसर जिन लोगों का है। देखो मे बी जेड इज इक्वल टू -3, ये था ये वाला एरिया तुमको 0.2 दिया गया था, जेड इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे ये मिरर इमेज है भैया, पहले बोल रहा हूँ, जेड इक्वल टू 2 ये वाला एरिया था, यहाँ पे तक्के का एरिया मतलब ये पूरा एरिया आप लोगों को 0.6 दिया गया था, तो बीच का एरिया आप लोगों को मांगा है ये इतना एरिया, तो यहाँ से पूरा लेफ्ट माइनस यहाँ से लेफ्ट करोगे तो ये बीच का एरिया आ जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मेरे को पता है ये दोनों जो चीज़ें दी गई है, और अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज माय एरिया फ्रॉम व्हेन जेड इज ग्रेटर देन -3, बताओ -3 से लेके इन्फिनिटी तक का है जेड मेरा 0.8। देखो -3 मतलब ये वाला मान के चल रहा था मैं लेफ्ट, ये वाला अगर इसकी एरिया है कितनी 0.2 है इसका एरिया, तो बचा कुचा कितना आ जाएगा 0.8। वैसे ही मुझे बताओ व्हाट विल द एरिया व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 2। देखो जेड इज इक्वल टू 2 ये था, उससे लेफ्ट साइड का एरिया मेरा 0.6 था, तो राइट साइड का एरिया कितना हो रहा होगा 0.4। कोई इशू है इन चीज़ों में अभी तक है? अब ऐसे ही मैं कुछ भी दे दूँ तुमको, एक भी फॉर्मूला ना समझाऊँ मैं, तो तुम अपने आप कर सकते हो ये चीज़ें। अब बस z के अगेंस्ट वैल्यूज़ निकालना सीखना है, तो -3.612 अगर है, 612 नहीं, -3.62 अगर है तो -3.62 तो ये एरिया हो रहा है, सिंपल था ये तो देखना। अरे ये रो वो कॉलम के अगेंस्ट आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली -100.01 पे भी होता होगा, पर आप लोगों को -3.6 वाले से लेके उसने पॉजिटिव 3.6 सके का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें वैसे जीरो पे आपकी वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड थी आपको? 0.5 थी एक्सपेक्टेड, देख लो 0.000 पे 0.5 आंसर आ रहा है, फेयर ना फेयर तक का। अब चलिए बता, तूने क्या गिव अप कर दिया क्या लाइफ में? तो क्या कर रहा है तू यार, तू मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो अगर नहीं पढ़ना तो घर जा प्लीज़, आई विल बी मोर देन हैप्पी, पक्का देख, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली तो डिस्टर्ब कर रहा है यार। अब गाइस देखो, हाँ एक सेकंड, पॉजिटिव में 0.01, हाँ 0.02 की वैल्यू, हाँ जब z की वैल्यू 0 होती है तब 0.5 तेरा ही होता है, बट z के लिए उससे बढ़ेगी अगर 0.001 भी रहेगी तो 0.501 कुछ ऐसा हो सकता है आंसर, थोड़ा बढ़ेगा ना 0.5 से, तो आंसर तेरा तू जैसे जैसे राइट में जाएगा z में, z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो एरिया अंडर द कर्व भी तो बढ़ेगा ना तेरा। ये देख यहाँ पे थोड़ा कम शेडिंग है इसलिए ये z इज इक्वल टू 0 पे एरिया तेरा 0.5 हुआ था, उसे जस्ट बाजू में मैंने खूब ज़्यादा मैग्नीफाई भी कर लिया, ये वाला वैल्यू पॉइंट जो है z इज इक्वल टू 0. ये भी है अगर तो थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा ना उसका वैसा है। चलो अब गाइस सुनो, क्या पेज नंबर बताया तुमने बेटा? नहीं 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 पगली, 673 पेज नंबर को आप लोग खोल के रखो, ठीक है, खुद के लिए खोल के रखो, और एक पेन पेज पे भकाभक ये आंसर करना शुरू करो। और ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं एक भी फॉर्मूला तुम्हारे काम के नहीं है, ठीक है ना, तुम विदाउट फॉर्मूला ही करोगे सब कुछ, ये फट फट ट्राई करो।
शेयर कर उसका। तो जब लिखा है z इज लेस देन 1.5 मतलब पूरा का पूरा एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक है का, ठीक है ना। एंड व्हेन देखो थर्ड सब पार्ट, व्हेन z इज ग्रेटर देन 0.83 तो 0.83 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है का, तो वो सब चीज़ें सोचे करना, उनको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया है मैंने दिमाग लगाने के लिए। और सिर्फ तुम लोग अपना यही वाला पेज खोल कर रखो, तुम आंसर क्रॉस वेरीफाई मत करो, अभी गलती हो रही है होने दो, प्लीज़ एक बार तुम लोग क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश मत करो। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, एंड मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग आंसर्स चेक करने के लिए जो थर्ड एग्जांपल है वो कि नीचे के आंसर्स मत देखो, तुम्हारे गलत आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इज इक्वल्स टू करके जो भी आंसर आता है। किसी को नहीं समझाया है, हेल्प चाहिए बोलो एक बार, मैं एक दो करके दिखा दूंगा। यस, एक देख, मैं तुम लोगों को पहले फर्स्ट वाला बताता हूँ एक बार पहले। देख, ये कर्व कुछ ऐसा होगा, जेड की वैल्यू 1.5 यहाँ पे कुछ आ रही होगी, मुझे क्या बोला है, जेड जब 1.5 से कम रहेगा मतलब ये पूरा का पूरा एरिया का मेरे को निकालना है, वो तो डायरेक्ट चार्ट से मिल गया। अब जैसे ही मुझे उसने सेकेंड वाला थर्ड वाला पूछा 0.83 से ज़्यादा, ठीक है, तो 0.83 भी यहाँ पे कहीं होगा और मुझे उससे ज़्यादा निकालना है। अब मैं जैसे ही कर्व देखता हूँ ना, वहाँ पे वैल्यू जो देखता हूँ वो मुझे इससे लेफ्ट साइड का एरिया देता है हमेशा। उससे लेफ्ट साइड का एरिया कितना आ रहा है देख, तो जेड के लिए 0.83 पे कितना आ रहा है, 83 जेड के लिए 0.83। तू नेगेटिव वाले में देख रहा है, पॉजिटिव वाले में देख, पॉजिटिव भी है ना, सही सही 0.7967, ठीक है, मान के चलो ये सही बताया उसने। देख सूरजन, इसका मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक के का एरिया 0.7967 है, तब उसके राइट साइड का एरिया 1 माइनस ये रहेगा, विच विल बिकम व्हाट, 0.2033। समझे चीज़ क्या हुई है? चलो एक बारी के लिए ना मैं आप लोगों को फिफ्थ वाला भी बता देता हूँ, नहीं बताऊँ, चलो ठीक है, कर लो, चलो करो, प्लीज़ बस आंसर्स चेक मत करना, तुम्हारी गलतियाँ हो रही है होने दो एक बार का। आई एम कमिंग फ्रॉम रेस्ट रूम, यू हैव सम टाइम उस केस में, फट से करके रखूँ, ठीक है ना।
गाइस एक बार के लिए जिन लोगों को फिफ्थ वाला नहीं समझ में आ रहा था, मैं उन लोगों के लिए फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। बेटा मैं खुद के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखो गेट 2.15 में भी कुछ यहाँ पे लाई करेगा, जेड के लिए 2.15 और 3.07 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। अगर मैं जेड के लिए 3.07 ही देखूँगा तो उसका मतलब ये इतना पूरा एरिया होगा, और Z की वैल्यू जब मैं 1.87 यानी क्या 2.15 देखूंगा तो उसका एरिया मतलब इतना हो जाएगा। अगर दोनों को सप्रैक्ट कर दूंगा मैं तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली एरिया कितना हो जाएगा, जब Z की वैल्यू 3.07 है वो वाली एरिया, माइनस जब Z की वैल्यू 2.15 है। समझा? एक बार फट से करके इसके आंसर चेक करो, तुम्हारे कोई भी डिफरेंट आ रहे क्या? आंसर सिखाऊं या क्या? क्वेश्चन से तो देखो, अब आप लोगों ने एक चीज रियलाइज किया है कि अपने को एरिया देखना है तो हम एक्स के टर्म्स में एरिया देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे एक्स स्कोर नहीं है, इट इज जेड स्कोर वाला टेबल, ठीक है ना? मुझे जेड टेबल बेसिकली दिया गया है, तो उसके लिए हम लोगों को अगर एक्स में पॉइंट्स है तो हम लोगों को जेड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। उसी कारण से सेकेंड क्वेश्चन जो बना, एक बार देख लो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे उसने म्यू और सिग्मा दे दिया है और ये एक्स के टर्म से पूछ रहा है। तो बेटा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 13 बोल रहा है तो Z क्या हो जाएगा मेरा, X माइनस म्यू ओवर सिग्मा, मतलब 1.5 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, Z इज लेस देन 1.5। तो तुम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए, संजय जी क्या हुई है वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन करने के लिए मैं आप लोगों को और 4 मिनट दे रहा हूँ। बेटा 54 तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फोर्थ एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल रैप अप करने के लिए। हाँ बेटा, थर्ड का सिक्स्थ वाला ना, तो माइनस 1.83 से बड़ा होना चाहिए तेरा, तो ये वाला एरिया निकाल ले, कितना आया माइनस 1.83 का? गलत है, तू प्लस को देख के आई भी है पक्का से। क्या माइनस 1.83 पॉइंट, हाँ ऐसा कुछ होगा, हाँ वो, हाँ फिर सही आंसर तेरा, हाँ देखे 0.336 तेरे को Z इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब ये चाहिए था तेरे को एरिया। तो 1 माइनस 0.0336 इज गोइंग टू बी 0.9664, ठीक है? बड़ा एग्जांपल नंबर 4 भी करना है, 4 मिनट बचे आप लोगों के पास में। क्या बच्चा? यार मेरा पेज और तेरा पेज बहुत अलग चल रहा है। अच्छा मेरी पुरानी बुक का ये PDF, एक एक करके जाओ तो फिर 40 मिनट बाद जाना, 40 मिनट्स बाद जाना बेटा। लास्ट 3 मिनट्स गाइस, फिर जितना हुआ उतना हुआ है वो ठीक है। आई वुड से एग्जाम्पल 4 पे शिफ्ट हो जाओ, एग्जाम्पल 3 के मैच जितने के उतना अच्छा लगा, एग्जाम्पल 4 पे भी ना ऑन प्रायोरिटी ये 1, 2 और 3 कर लो बस। पहले यहाँ के ये एक्स के हिसाब से जेड निकाल, ये एक्स के हिसाब से जेड निकाल और बस शिफ्ट कर दो उसको। आप लोग इसका भी 1, 2 और 3 कर लोगे बस तो भी मोर देन सफिशियंट है बेटा। और ये सब कुछ MCQ छाप क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऑब्वियसली उसको टेबल देना पड़ेगा इसके लिए, ये कोई भी एक ही सब पार्ट पूछ लेगा MCQ में, या फिर केस स्टडी के अंदर आप लोगों को एक ये डाल देगा और फिर क्वेश्चन डाल देगा, ऐसा कुछ कर लेगा। हाँ बेटा,
पहला हाँ जेड लेस देन 1.5 पहला अकाउंट्स नेक्स्ट इंग्लिश फिर मैथमेटिक्स करेक्ट इंग्लिश कौन से तारीख को है 13 और मैथमेटिक्स है 16 14 15 हॉलीडे तुम लोगों को तो 13 14 और 15 तीन दिन है अपने पास में जैसे यार नहीं सबकी रहेगी उसके बाद आपस तुम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी नहीं नहीं तब नहीं रहेगी तब वापस है हाँ क्योंकि उनको तो वैसे ही एक चैप्टर कम आ रहा है और उनको मैं टाइम इंडेक्स पढ़ा दूँ ये सोचे कि तब तुम आओगे तब तुमको ही टाइम इंडेक्स पढ़ा दूंगा मैं तो जैसे केड़िया तो ये ही नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये मिड टर्म में नहीं आने वाला है उसको तो तेरे को लगता है टाइम इंडेक्स ले आएगा बट सुनो वही तुम्हारा 11 को इवनिंग में क्लास होने वाला है फॉर द रिविजन थिंग जो इवनिंग बाद जो चल रहा है जो लोग कर रहे थे ठीक है ना तब होने वाला है वैसे ही तुम्हारा 13 इवनिंग 14 इवनिंग 15 इवनिंग को अपन देखेंगे कि विल वी बी डूइंग रिविजन फॉर CPS टेस्ट विच इज़ अनलाइकली कि मैं CPS टेस्ट के हिसाब से तब नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा क्या बोलते जो इन लोगों का इवनिंग बाद चल रहा है ठीक है ना कल का इवनिंग मैच होगा कल रेसेस गेम्स ख़त्म होगा फिर मिक्सर्स एंड एलिगेशन बोला था वो शुरू होगा हाँ आज नहीं है बेटा क्लास इवनिंग का क्लास है हाँ फर्स्ट चैप्टर ही वो मैं सेंटर पॉइंट के टेस्ट का दिमाग में रखते हुए पढ़ा नहीं रहा हूँ हाँ बेटा नहीं तुम्हारा सिर्फ 13th, 14th, 15th को रहेगा मॉर्निंग है ना ये जो चल ये है 3:45 वाला हाँ वो तीन दिन रहेगा क्यों वो ठीक है अब जो जो लोग नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे हैं सेंटर पॉइंट स्पेसिफिक के लिए रहेगा रिवीजन का तब वो ठीक है ना चलो अब गाइस नाउ मूविंग अहेड एक बार इसका ही फिफ्थ वाला एक्स की वैल्यू है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा माइनस 0.2 ओवर 2 माइनस 0.1 ठीक है ना इससे कम खत्म सही है आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 0.4 या उसके आसपास में कुछ जगह आंसर हाँ चलो अब ओए अब गाइस अब देखो जिनको वो समझ में आ गया ना उन लोगों के लिए ये चीज़ इतना इशू नहीं रहेगा तब मार्क्स ऑफ बाय द वे एक चीज़ में बताने नहीं भूलिए ये जो अपन जेड वाले जो कर रहे हैं ना ये डिस्क्रीट वाले के लिए नहीं है जो अपन डिस्क्रीट देख सकते हैं एक्सीडेंट्स कितने हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 या 0 बट हाइट कोई ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं इट कैन बी 1.1 इट कुड हैव बीन 1.01 जो कंटिन्यूस वगैरह वाले जो होते हैं वेट्स वगैरह ये उसके लिए हो जाता है या 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 बेटा द मार्क्स ऑब्टेन इन सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे देगा ही हमेशा उसके बिना आप लोगों को समझा वो अलाउड नहीं है विथ मीन मीन मिल गया यानी क्या मिल गया मुझे म्यू 30 स्टैंडर्ड डिविएशन 10 ये 1000 बच्चे करें तो बात की बात है चलो ठीक है बताओ कितने बच्चों को लेस देन 33 मिला होगा तो सर देखो पहले यही वाला देख रहे अपन लोग तो ये x की वैल्यू 33 है मुझे पूछा गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 33 क्या मुझे x का निकालना आता था क्या वहाँ से नहीं तो मेरे को z का निकालना पड़ता था तो z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा 3/10 मतलब z की वैल्यू हो गई 0.3 तो मुझे प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 0.3 एक बार बताओ देख के ये हो गया है पर ये तो प्रोबेबिलिटी हुई है मतलब क्या है कितने भी बच्चे हो एक आधा बच्चे को उठाऊंगा और बोलूंगा कि उसका स्कोर लेस दैन 33 मार्क्स हो उसी प्रोबेबिलिटी ये है मेरे को टोटल नंबर बच्चे कितने दिए गए 1000 तो देखो अब प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स प्रोबेबिलिटी थी 0.6179 फेवरेबल जो ढूंढना है अपॉन टोटल कितने हैं 1000 उधर जाएगा 617.9 अप्रोक्सीमेटली 618 बच्चों को
ये रहने वाला है, समझे आप लोगों का क्या हुआ है। एक और देख लो, चलो एक और देख लो, एक काम करते हैं लास्ट वाले देखते हैं, ठीक है ना। बिटवीन 30 से लेके 45, तो मुझे प्रोबेबिलिटी पहले निकालना है, 30 से लेके x की वैल्यू 45 दी गई है, z में कन्वर्ट करना है, तो z इज x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया है और 45 था, तो z माइनस म्यू ओवर सिग्मा 15 1.5। देखो वैसे अब ये 0, ये 1.5, तो 1.5 का एरिया माइनस 0 का एरिया, करेक्ट। तो देखो अब 1.5 का एरिया देख के बताओ मुझे फट से, 0.5596, और 0 का तो मेरे को पता है 0.5 होता है, 0.5, अरे बापरे बापरे, पॉइंट तूने क्या देखी, बापरे 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 बापरे, ठीक है 0.9332 माइनस ये हो जाएगा कितना 0.4332, ये इसका आ रहा है प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। अब तुमको प्रोबेबिलिटी पता है, तुमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, भाई फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा, 0.34332 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर जाएगा 433.2, तो अप्रोक्सीमेटली 433, इसने डेसिमल में छोड़ा है क्या किया भाई, हाँ वैसा क्या, हाँ समझा ये चीज़ क्या हुई है, हाँ गाइस प्लीज 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, फटाफट करो यार इसको, फाइन। हाँ लग जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हाँ हाँ क्या दे दो, हाँ अच्छा, और फिर वापस नहीं करके आऊँगा सर, हाँ झूठा, आधे घंटे बाद कोई अच्छी बात ना, तो इससे नींद नहीं आएगी ना तेरे को, अच्छा वो किया तो बेटा सो चुका रहेगा तू, अभी जल्दी कर तुझे, यार ये लोग तो कब के उड़ चुके हैं पता भी नहीं मेरे को, तेरा हॉटस्पॉट बंद हुआ है भाई मेरे, दिव्या भाई तेरा हॉटस्पॉट बंद हुआ क्या, क्यों भाई कोई दुश्मनी है मेरे से, सही में भाई, अभी तो भाई इतना सस्ता हो गया है और बहुत पहले बंद हुआ है, बताया क्या, छोड़ जान दो किसी का आएगा मैसेज तब देखेंगे, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी कॉल भी नहीं तो छोड़ जान दो, वो लोग रिकॉर्डिंग पे भरोसा देखेंगे, करो फटाफट ये करो ना, मेरे को देखते देखते कैसे करना होता है, ए चुप रहे, मत करो बातें मत करो बातें, लास्ट 2 मिनट्स गाइस फिर आगे बढ़ेंगे, तुम लोगों की 9-10 को छुट्टी है क्या ट्यूशन स्कूल की, सैटरडे संडे आ रहा है या क्या कुछ है कैसा, नहीं ले तो रही है बच्चों, तो 8 को भी लेने वाले बच्चे मेजर लिए भी, नॉट डैट मैं कुछ क्लासेस ले रहा हूँ, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था,
चलो अब गाइस एग्जांपल सिक्स पे आए. इन अ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम स्कोर ऑफ 300 स्टूडेंट्स इज रिकॉर्डेड. ठीक है, रमेश स्कोर 800 मार्क आउट ऑफ ये. द एवरेज स्कोर फॉर हिज बैच वॉज 700. देखो एवरेज स्कोर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये म्यून मीन हो गया. ठीक है ना, इसका खुद का स्कोर 800 था. छोटी का बाद में देखते हैं, वैसे उसकी मतलब क्या हो रही है किसी को पता है क्या? वो एक्स है. वैसे तू सही बोल रही है, उसका एवरेज से बेटर चल रहा है. जो कितने बच्चे लोग थे, 300 बच्चे थे, तो अगर उसका मैं रैंकिंग देखूंगा तो बेटर देन हाफ यानी बिफोर 150 रैंक आएगा. वो चीज़ें नहीं चलेगी, वो एक्स की वैल्यू दी गई थी. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप लोगों को पता है. बताओ अप्रोक्सीमेटली उसका क्या परफॉर्मेंस है. तब देखो तुम लोगों को पहले Z निकालना पड़ेगा इससे. Z इज वॉट, X की वैल्यू कितनी है हमारी 800. X माइनस म्यू ओवर सिग्मा, मतलब 100 ओवर 180, उसकी वैल्यू जो भी आ रही 5/9. ठीक है ना, विच इज 0.56 कुछ ही है. तुमने एरिया निकाला, उसका एरिया ये आ गया. अब उससे तुमको ये पता है प्रोबेबिलिटी ये आ रही है, मतलब वो कहें 300 बच्चे थे, तुमने 300 से अगर मल्टीप्लाई किया उस चीज़ को तो तुम्हारा आंसर कितना आया, कुछ तो भी ये आया 214. मतलब अप्रोक्सीमेटली उसने 214 बच्चों को अपने से पीछे छोड़ा हुआ है. ये देखो उसका जो एरिया ये आया था, ये यहाँ का, तो 214 लोग उससे पीछे थे यानी उनको उससे मार्क्स कम थे. समझे चीज़ क्या हुआ, उससे रैंक 214 नहीं. ठीक है, हाँ ठीक है, अगर तुम लोग मान लो रैंक परसेंटाइल, यस ठीक है ना, तो अब वो 100 में से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं है. ठीक है, तो 214 अगर तुम ऐसा देखोगे तो ऐसा रहेगा कि फर्स्ट वाले को 300वां रैंक है, सेकंड वाले को ये क्या बोलते 299 रैंक है. तो वैसे भले ही बोल दो, या फिर ही डिड बेटर दैन 214 पिल्ले लोग. समझे जी क्या हुआ है. नेक्स्ट सब पार्ट देखो उसका. सुधा ने 420 स्कोर किया है, चलो ठीक है, अब उसका निकालना है. तो सर वही हो जाएगा मेरा, Z की वैल्यू कितनी होगी, Z माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये हो जाएगा माइनस 280 ना, हाँ 280 अपॉन 180, कैसे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 14/9 माइनस 14/9, उसे जो भी वैल्यू आ रही है ये, उससे Z की वैल्यू इतनी आई है. तो उसने सिर्फ और सिर्फ यानी उसको इंटू 300 करोगे तो उसने सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चों से बेटर परफॉर्म किया हुआ है. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो भी कोई बात नहीं था. अब देखो एक पहले बात, तुम लोग ए और बी करो फट से. अगेन मैं तुम लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ उसके लिए, 5 अच्छा 2:08 हो गए, जैसे ही आपको सी वाला बताऊंगा. इसका एरिया 4.83 से पीछे का क्या हो गया सुरजन बेबी को. तू कौन सा सी वाला डाइट ली, कहां से करना शुरू कर दिया तू? तू ए और बी तो कर, मैंने पहले ए और बी कर नहीं समझा तेरे को कुछ भी उसमें. हाँ तो वो कर, दिव्य करना तो जितना मजाक में लोगे ना ये टॉपिक्स को, उतनी परेशानी होगी. क्योंकि ये टॉपिक्स तुम लोगों के रिवीजन के समय पे इतना क्विकली मुझे भगाने पड़ेंगे. आई विल नॉट बी एबल टू डू इट स्लोली अनलेस तुम्हारे इवनिंग बैच में आए. इवनिंग बैच में जब भी आएगा उसने मत रुको यार. अभी वाले भी रिवीजन में, बोर्ड वाले रिवीजन में भी 10 दिन की छुट्टी के अंदर तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे. तुमको कितने चैप्टर्स हैं नियरली 12 चैप्टर है, चल 10 ही चैप्टर है मान लो. तुम लोग
एक दिन में एक चैप्टर नहीं निपटा पाओगे तुम लोग सॉल्व करना 8 घंटे के अंदर, मैं तुमको बता रहा हूँ। और वो 8 घंटे की क्लास के बाद में बच्चे घर पर जाके पढ़ने की हालत में नहीं बचते हैं, और उसके सिवाय वहाँ पर तुमको बैठ के फुल कोर्स पेपर्स भी सॉल्व करना रहता है। तो बच्चों का टारगेट रहता है कि पहले 6 दिन में निपटाओ पूरा का पूरा जो रिविजन करना है, फिर फुल कोर्स पेपर्स दो। तुम लोग नहीं कर पाओगे यार, इसलिए अब भी ढंग से कर लो। क्या क्या बोर्ड्स में कितने चैप्टर्स आए गए, जितने तुम्हारे को है बुक में वो पूरा चैप्टर था बेटा, कट के तो आए पाए। हाँ तुम्हारी बुक सिंप्लीफाई करके डाली भी है ना उन्होंने। अब कितने चैप्टर था नाम 14 है ना, वो मैं सेकंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कोई काम का नहीं है एक बार देखा जाए तो, वो वैसे काम का है बट वो आप लोगों का LPP का कंबाइंड चैप्टर होना चाहिए था बच्चों का। आई थिंक पूरे पूरे चैप्टर थे तुम्हारे को। अब तुम सोचो डेरिवेटिव्स भी ऐसे कोई काम का नहीं है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स ही आता है, बट वो समझने के लिए पहला चैप्टर समझना जरूरी है। हाँ डेरिवेटिव्स के देखा, जब डायरेक्टली एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के देखा उसके अंदर देखो डेरिवेटिव्स यूज करना ही पड़ता है। क्या 5 मार्क का है एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स? पूरा कैलकुलस 5 मार्क का है। मेरे को नहीं आइडिया भाई बेटे, अच्छा मैं हाँ कहाँ पर लिखा है? अच्छा मेरे को कोई आइडिया नहीं बेटा। चलो ओए अब ये सी सब पार्ट देखो, आपको ये बताया गया कि अभय ने 44.83% बच्चों से बेटर स्कोर किया है, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली उसका स्कोर कितना आया था? अब देखो आप लोगों को ये 44.83% मतलब 0.4483 इसका क्या हो गया है, ये जेड वैल्यू हो गई है। अब आपको जेड पता है करेक्ट, आप लोगों को म्यू पता है, आपको एक्स पता है, अरे आपको डिविएशन पता है, आपको एक्स निकालना है। तो गलत, वो जेड वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली। वो 44.83 को 0.4483 नहीं करोगे आप लोग, आपको इंटू 300 जब करोगे उसका, तो ये देखो नीचे के इसमें कप लो, पहले आप लोगों को 0.4483 से ये निकालना पड़ेगा जेड वैल्यू। वो 300 का मल्टीप्लाई नहीं, उसको जेड वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। वो एरिया है, मतलब ये जेड वैल्यू नहीं है, ये उसका एरिया है, समझा तुम लोगों को क्या हुआ है। अब ये एरिया तुम अपने टेबल में ढूंढो। अब मुझे पहले बताओ अगर 0.5 से कम है तो जेड नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले टेबल में ढूंढो कहाँ पे 0.4483 आ रहा है। -0.13 पे आ रहा है। तो नाउ यू नो वैल्यू ऑफ जेड, यू नो म्यू, यू नो सिग्मा। अब आप एक्स निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 676.6 जो कि 677 के बराबर आ रही है। तो उसके मार्क्स आउट ऑफ 1000 इतने हुए हैं, समझा जी क्या हुई है। फट से इसको करो, तुम लोग 7th वाला आज होमवर्क लोगे, पहले फट से करो। बेटा आप लोग लिखो फटते अपना होमवर्क।
एग्जाम्पल 7 और 9 आप लोगों के दोनों होमवर्क है, और फट से एक बार 7 और 9 को रीड कर लो कि देखो कोई क्वेरी है तो मुझे पूछो उसमें का। एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल नंबर 9 करीना 7 9 इतना भगा भग इतना तो फोन में लगे ना उससे तो बहुत ज़्यादा लगता है। एनी वन फॉर एनी क्वेरीज फॉर 7th एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं जम रहा है 9th एग्जाम्पल। अब बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है एग्जाम्पल नंबर 8 पहली बार में कैच करना, एक तो उसका 4 मार्क कर लो तुम लोग और एग्जाम्पल नंबर 8 एक बार मन में पढ़ो, सोल्यूशन मत देखना उसका प्लीज। अब देखो पहली बात ये z की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ये तुम्हारी x की वैल्यू है। तो जब अंडर 45 मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 टाइप है तब 31% है, ठीक है ना, यानी 0.31 है। ढूंढो फट से z की कौन सी वैल्यू पे 0.31 आ रहा है, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? 0.5 से कम है तो नेगेटिव ही रहेगा। यार इनका क्या 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 वापस वापस अच्छा लगा मैं उसके अलग को पास कर देखो 0.3099 वगैरह हो तो भी चल जाएगा। थ्री वन टू वन है ना वो, हाँ अब उसने 3.1 क्यों लिया पता नहीं है, तो वो दोनों से अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखो ओए ये तुमने आंसर ये ले लिया, ठीक है, तो अब देखो मैं x की जगह पे z डाल सकता था, हाँ वो वाला क्या होता है x माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है, अपॉन सिग्मा, ठीक है ना, इसका वैल्यू मेरे को 0.31 मिल रहा है। वैसे देख क्या ये देख लो कहाँ गया, एक सेकेंड क्या 0.1 एक सेकेंड जाओ, नहीं एक सेकेंड जाओ, तुम्हारा 31% का कितने पे आ रहा था बेटा, किस पे आ रहा था जेड क्या लिखती माइनस होगा बेटा देखो, हाँ तो ये माइनस 0.5 हो रहा है मेरा। तो ये पहली एक इक्वेशन मिल गई मुझे। नेक्स्ट अब मुझे क्या दिया गया है ओवर 64, ठीक है ना, तब देखो अब अगर p की वैल्यू x ग्रेटर देन 64 की वैल्यू मेरे को कितना 8% है, 0.08 हो रहा है। पर सुनो तुम लोगों को राइट साइड का एरिया देता ही नहीं है, वो लेफ्ट साइड का एरिया आता है, तो तुमको देखना पड़ेगा कितना 0.82, वो कितना एरिया कहाँ पे आ रहा है देखो 0.82 देख एक समझा, ये जो है अगर मैं एक्स्ट्रा टर्म्स में देखूंगा तो ये वाला एरिया उसने 0.92 दिया हुआ 0.08 दिया हुआ है। तो तुम्हारे को अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तुम्हारे को जेड वैल्यूज तो ये ऐसे वाली इसके देता है ना वो, तो ये एरिया तुम्हारे को 0.92 हो रही है, समझा, हाँ वो करेगा अपन तो सिर्फ जेड की वैल्यू देख रहे ना उसे करस्पॉन्डिंग के लिए। वन पॉइंट फोर वन पे आ रही है, तो अब देखो वो क्या था अपना
64 था ना, हाँ, तो वापस 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज 1.4। देखो ये दो इक्वेशन, अब उसने एक एक ही क्यों लिया डेसिमल, भगवान मालिक उसका यार। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करोगे आंसर आता है इससे। तुम लोग इक्वेशन को सॉल्व बाद में करना, पहले ये दोनों इक्वेशन खुद से एक बार बनाने की कोशिश करोगे तुम अटकोगे पक्का से, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तुमको पहला ही इक्वेशन बनाना डिफिकल्टी होने वाली है, दूसरा तो छोड़ो, दूसरा तो और डिफिकल्ट है। अब एक बार पहला इक्वेशन बनाने की कोशिश करो सिर्फ, हाँ परसेंटेज ऑफ एरिया दिखाता हूँ। देख 0.31 तेरा होना चाहिए था, जेड स्कोर पर जाता, चल अब ये देखो कितना था जेड की वैल्यू बेटा, देखने के लिए अपने को कितनी देखनी थी, 0.31 ये देख, एक ये पास में है, ये कैसे सकता है, तो 5 है ये, नहीं बेटा ये वैल्यूज देखना है को, किसका एरिया 0.31 के आसपास हो रहा है, ये है, ये भी है, ठीक है ना। अच्छा तो उसने -0.49 लिया है या फिर -5 लिया है, -0.5 लिया है उसने, आई थिंक -0.31 लिया है शायद उसने। एरिया तेरे को दिया हुआ है, अब तेरे को किसका एरिया है ना, कौन से जेड के वैल्यू पे है वो समझ गया मैं। देखो ओए, तुम लोगों को चार्ट में पहले ये ढूंढना है किसका एरिया 0.3 बना रहा है, ठीक है। चलो अपन चार्ट खोलते हैं, मेरे को ये पक्का था नेगेटिव पे आने वाला है कि 0.5 से छोटा है, तो 0.31 देखो ये थ्री नीचे देखना शुरू हुआ है, ये भी पास में है और ये भी पास में, ठीक है ना। अब वैसे अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, इन लोगों ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग -0.49 लिया ना, हाँ 5.1 लिया होगा फिर ने, या 5 ही लिया है, सिर्फ 5 लिया है क्या, अच्छा वह 0 थोड़ी, हाँ तो उन्होंने ये ले लिया है, ठीक है ना। आप वो वाला भी ले सकते थे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। क्या क्या क्या, हाँ वो ठीक है, बट ठीक है उसने क्लोजर वाला वैसा लिया हुआ है, तो ये आ गया तुम्हारा, ये हो जाओ, तुमको 3.1 चाहिए था ना, तो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है बेटा, वहाँ 21 का डिफरेंस हो रहा है, ऐसा कुछ है। वो छोड़ जान दो, हाँ ठीक है। तो आप लोगों का पहला वैल्यू आ गया, क्या है इसका नाम, बंसाली, यही क्वेश्चन है ना। तो देख ये पहला आ गया तेरा जेड की कप -0.5 पे, तो देख तेरा 45 माइनस म्यू ओवर सिग्मा कौन से जेड पे दे रहा था तेरे को, 0.-0.5, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देख दूसरे, इसमें तेरे को ग्रेटर दैन 64 की बात हो रही है, मतलब ये वाले एरिया की उसने 8% दिया है, तेरा जेड टेबल ये वाला एरिया नहीं बताता है, तेरा जेड टेबल तेरे को ये वाला एरिया बताता है। तो अगर ये 0.08 है तो ये 0.92 होने वाला है तेरा, चलो वापस से टेबल देखते, 0.92 पक्का से जेड पॉजिटिव है, 0.92। इधर एक तो ये दिख रहा है मेरे को, ये हाँ सबसे पास में वही दिख रहा है, वैसे ये भी अच्छा खासा पास में ही है, बट अब ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो 1.41 हो गया उससे जेड की वैल्यू, उसने 1.4 ले गया, वही मैं बोल रहा हूँ ना, अप्रोक्सीमेशन उसने किया हुआ है अपना कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। तब ये देखो तो दूसरा क्या जाएगा, 1.4 पे जेड इज एक्स, एक्स की वैल्यू दी हुई है क्या मुझे, कितना है 64, हाँ 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म, ठीक है। अब गाइस सुनो, ओए ओए ओए, तो वहाँ 9th भी होमवर्क था, 10th क्वेश्चन भी इसके आसपास जैसा ही होगा। तुमको 10th होमवर्क दिया था ना वैसे तुमने, नहीं कौन से होमवर्क दिया तुमको, 7th और 9th होमवर्क है तुम्हारा, हाँ पहले एक बार फट से तुम लोग जो भी दिया था अभी 8th वाला करो, बस इक्वेशन बनाओ छोड़ो उसको,
क्या इक्वेशन से दोनों सही नहीं आ रहे? बस अभी के लिए इक्वेशन पे जो के छोड़ दे, उसने डिवाइड करके किया हुआ है, तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना उसको बाद में। क्या प्लस माइनस में कैसे होगा बच्चा? क्या क्या थी इक्वेशन फटाफट बोल। सिग्मा आगे तो इसको तू प्लस कैसे करेगा? माइनस करेगा ना मेरे भाई, एलिमिनेशन करते हो करना ही है तो माइनस करेगा ना इनको तू। ऐड करेगा तो तेरा ये हो जाएगा 109 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0.9 सिग्मा होगा ना बेटा तू ऐड करेगा तो। ठीक है अब ओए एक बार ना टेंथ इस पे आ जाओ। द मंथली सैलरी इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत बढ़िया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन सैलरी पता चल गई, चलो हमको म्यू की वैल्यू 4000 पता चल गई है। स्टैंडर्ड डिविएशन 450, इतने वर्कर्स को लेस दैन 3325 मिल रहा है। तो ये क्या है, कोई डेटा पॉइंट है? तो ये मेरे लिए एक्स हो गया 3325, इसे मैं जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, उससे मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है मेरा एरिया वेरिया निकालने के बाद में वो इतना आया है। ठीक है अब देखो ये चोपले लोग जो कर रहे हैं फालतू की हरकतें कर रहे हैं, बेताड़ा एक नंबर के लोग। तुम सिंपल सा एक काम करो, -1.5 पे देख लो जेड की वैल्यू है कि नहीं है तुम्हारी 0.0668। नहीं वो सेट नहीं है, देख लो यही है तुम्हारी। ये फालतू की हरकत है जो इन्होंने की है ना, मैं सिखाया नहीं तुम लोगों को, इसलिए ये समझा तुम लोगों क्या हुआ है। अब ध्यान दो, तुम लोगों को ये मिल गया है, तुमको अब ये पता है 668 वर्कर्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं इतने इसको, तो वन एरिया को कितने वर्कर्स करस्पॉन्ड करने वाले हैं, तो तुम टोटल एरिया निकाल सकते हो। तो वही तो देखो निकालना है सिक्स। देख एक समझा, डिड यू गेट z की वैल्यू ये आ चुकी है, तो मतलब ये था, ये जीरो है, ये इतने का एरिया तुम्हारा जो भी आ रहा था क्या गया वो, ये 0.06 नहीं एक समझो क्या z की वैल्यू -1.5 थी ना, हाँ तो ये इतना एरिया तुम्हारा आ चुका है, ये इतना आ चुका है। तो 668 वर्कर्स का एरिया 0.0668 है, तो ये पूरा एरिया वन होता है, तो वो कुछ x का हो जाएगा सॉर्ट ऑफ वैसे से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे तुम्हारे ये आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल नंबर 10 हुआ तुम्हारा। 11th वाला अब देखो, तुम लोगों को x से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन तुमको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को पता है, तुमको अब x निकालना है, ये स्मॉल x, सच दैट द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 10 एंड x ये हो जाएगा। अब देखो ठीक है ना, तुम्हें x की वैल्यू 10 दी गई है एक बार और x की वैल्यू स्मॉल x दी गई है, तो ये अगर 10 है तो इसे z की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग, दिस माइनस दिस अपॉन 4, लकीली 0 आ रही है वो, z की वैल्यू 0 आ जा रही है। और जब ये ले रहे हो तुम लोग तो x माइनस 10 अपॉन 4, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के 0 से लेके x माइनस 10 अपॉन 4 तक्के का एरिया आप लोगों को उसने 0.4472 दिया हुआ है। अगर मैं पूरा एरिया देखूंगा तो 0.9472 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 के बराबर था, तुम जैसे ही किए तुम्हारा वो एरिया आ गया है। ये कौन से z के वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा था वो देख लेना, z की वैल्यू तब शायद 2 दे रहा है, तो x की वैल्यू उसे तुम्हारी आ जाएगी। एक बार के लिए गाइस टाइम कंस्ट्रेंट का, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच है अभी, तो मेरे को ये थोड़ा क्विकली कराना पड़ा, प्लीज़ मेरा ना सिंसियर रिक्वेस्ट है, ये बात ढंग से करना ये सब चीज़ें। कोई क्वेरी रही तो मुझे पर्सनल इस पर या फिर रिविजन सेशन के में पूछ जरूर लेना। ठीक है चलिए बाय गाइज़।